enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. साजिद खान ने अपनी फिल्म हाउसफुल के रिलीज से पहले खूब दावे किए कि हाउसफुल पहली ऐसी फिल्म होगी जिसकी पायरेटेड डीवीडी मार्केट में नहीं आ पाएगी, लेकिन जैसी फिल्म रिलीज हुई मार्केट में फिल्म की पायरेटेड डीवीडीज और सीडीज की बार पड़ गई। और जब मीडिया ने साजिद से पूछ लिया यही सवाल, तो साजिद को कैसे मिर्ची लगी कर रहे इसका पोस्टमार्टम। चोरी नहीं किया, आपने पैसे देके खरीदा, मतलब आपने पायरेसी को सपोर्ट किया। हमने आप क्या कदम उठाने में आपको पूछ रहा हूं। बस एक सवाल और साजिद खान को लग गई मिर्ची। आप क्या कदम उठाने में आपको पूछ रहा हूं। सवाल पूछा गया था साजिद के इस दावे को लेकर कि उन्होंने अपनी फिल्म हाउसफुल को पायरेसी प्रूफ कर दिया है, जिसे सुनते ही साजिद को मिर्ची लग गई। रिपब्लिक हैज कम अप विद अ सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर नॉट जस्ट ट्रैक्स द साइट्स on which illegal downloading of your film is happening, but it also tracks the users. लेकिन फिर भी हाउसफुल की पायरेटेड कॉपीज कैसे बाजार में आई? साजिद खान ने सवाल का सीधे सीधे जवाब तो दिया नहीं, उल्टे रिपोर्टर से बहस करनी शुरू कर दी, ये कहकर कि वो फिल्म की पायरेटेड डीवीडी और सीडी खरीद कर पायरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। पायरेटेड सीडी मार्केट में आ चुकी है। आज हमारे एक कलीग ने सर आप स्टोरी के लिए खरीदा है बाजार, मतलब आप ही पायरेसी को प्रमोट कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए आपने कुछ कदम नहीं उठाया। आपने क्या कदम उठाया उसे रोकने के लिए? आपने तो हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने खरीदा है। नहीं, हमने खरीदा दिखाने के लिए आपको कि ये देखिए बाजार में। मतलब आपके बोलने का मतलब क्या है? आप चोरी का माल खरीदेंगे ये दिखाने के लिए कि ये चोरी की एक सीडी है जो आपकी सर? लेकिन आपने क्या कदम उठाया? पायरेसी को सपोर्ट किया, वो खरीदे नहीं। वैसे साजिद, हमने आपसे कुछ भी तो गलत नहीं पूछा था, तो इसमें इतना भड़कने वाली बात ही क्या थी? क्योंकि हाउसफुल की रिलीज से कुछ दिन पहले आपने ही तो मीडिया के सामने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि आपने हाउसफुल के लिए रिपब्लिक नाम का एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें अगर कोई फिल्म को इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश करेगा या फिर हाउसफुल की पायरेटेड डीवीडी या सीडी बनाने की कोशिश करेगा तो उसे ट्रेस कर लिया जाएगा। याद नहीं आ रहा तो हम याद दिलाते हैं। इफ यू और मी कैन गो ऑन एनी ऑफ द साइट्स एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग अ हाउसफुल, our IP address will actually pop up in a server cell. That means it's exactly like shoplifting and being caught by a CC camera. और तो और साजिद ने यहाँ बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के डायरेक्टर्स को भी सीख दे डाली थी कि वो ये सॉफ्टवेयर यूज करें। I have a feeling if other Bollywood filmmakers and Hollywood filmmakers will adapt this technology, somewhere internet piracy, which gives losses in terms of hundreds of crores to the film industry every year, sometimes even 500, 600 crores, it will cut down at least by 70-75%. लेकिन इतने precautions लेने के बाद भी ना जाने कैसे हाउसफुल की पायरेटेड डीवीडी और सीडी से मार्केट हो गया फुल। जब इस पर पूछा गया सवाल तो साजिद लग गए डैमेज कंट्रोल में। एंटी पायरेसी जो आपने ये किया था, उसका कितना फायदा हुआ और कितना परसेंट? बहुत फायदा हुआ सर, और तो उसके बहुत रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। आज ऑलमोस्ट जो एक फिल्म को डैमेज होता है 80-90%, हमने मिनिमाइज किया है 20-30%। पायरेटेड अभी भी चल रहे हैं, बट ट्रैकिंग भी उतनी ही चल रही है। जहाँ जो साइट्स पे पायरेटेड चल रही है उनको लीगल नोटिस भी भेजे गए, तो ये रिपब्लिक का जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। वैसे यहाँ डैमेज कंट्रोल तो साजिद ने हाउसफुल के कलेक्शन को भी लेकर किया, क्योंकि जिस हाउसफुल के साल के सुपर हिट फिल्म होने के दावे साजिद कर रहे थे, खबरें आई है कि हाउसफुल का कलेक्शन कम हो गया है। वो जमाना गया कि सिल्वर जुबली होगी और हर स्क्रीन में एक एक मल्टीप्लेक्स में 28 शो। आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए, 5,500 शो एक दिन में, तो जाहिर बात है ड्रॉप तो आएगा ही। लेकिन जो एक फिल्म पहले 10 साल में जितना कमाती थी, आज वो फिल्म एक हफ्ते में कमा लेती क्योंकि प्राइस भी बढ़ गया। तो यहाँ साजिद ने क्रिटिक्स को ले लिया लपेटे में, पहले तो बताया फिल्म को ब्लॉकबस्टर और फिर देने लगे सफाई। बट इट्स अ साजिद खान फिल्म, आई एक्सपेक्ट द क्रिटिक्स टू बी काइंड टू मी एंड नॉट ऑल द क्रिटिक्स, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ क्रिटिक्स हैव नॉट बीन वेरी काइंड। In fact, I was very surprised when I heard that certain critics have even given it 4, 4.5, 3.5, 4 stars. I don't care for 5 stars or half a star. I never made it for the critics. यानी साजिद की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डैमेज कंट्रोल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई, जिसमें ये तय हो गया कि अब साजिद कोई भी दावा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मोबाइल।